और आज हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। रिसेंटली हमने विजिट किया था मलेशिया। मलेशिया का जो कैपिटल है क्वालालंपुर, वहाँ हमने विजिट किया था। दैट इज़ आर लाइक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था हमारा। तो वहाँ पे जो भी मस्ट विजिट प्लेसेस हैं, वहाँ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप भी फ्यूचर में या मलेशिया के लिए कभी प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मन में होती हैं कि क्या कैसे करेंगे। अगर कहीं घूमने जाना है, वहाँ जाके अगर आपको कहीं जाना है तो कैसे जाओगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन रहेगा और क्या वहाँ के कॉस्ट होंगे, टिकट्स कैसे बुक करोगे, जो भी सारी चीज़ें माइंड में चलता है, जो हमारे भी डेफिनेटली था, वो सारी चीजें हम आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वहाँ जो सबसे पहला मस्ट विजिट प्लेस है। एक चीज मैं और बोलता हूँ कि हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो मलेशिया के बारे में, जहाँ पर सारे प्रोसेसेस और हमारा जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, इस वीडियो में हम लोग वो टॉप 5 जगह जो क्वालालंपुर में जो है मेन जो प्लेसेस, इस वीडियो में हम लोग वही चीज कवर करेंगे। और वो डिटेल्ड वीडियो जब हम लोग बनाएंगे उसको, हम लोग उसको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो प्लेस जो हमने विजिट किया था, वो हम लोग ने जिस दिन हम लोग लैंड हुए थे क्वालालंपुर में, उसी दिन शाम में हमने विजिट किया था वहाँ का एक्वेरिया KLCC। ये पूरे क्वालालंपुर में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्वेरियम है। आप इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये एक मस्ट विजिट जगह है। तो इसकी अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो ये सुबह ऐसे 10 बजे के आसपास ही ओपन हो जाता है और ये शाम के 7 बजे तक चलता है। टिकट्स की जो प्राइस है, ऐसे मैं बता दूँ कि जो भी हम लोग प्राइस यहाँ बोलेंगे वो इंडियन रुपीज़ में होगा और वो 2 जन के लिए होगा। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन बैठा सकते हो, और हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं क्योंकि जो भी वहाँ की जो करेंसी है, जो कि रिंगिट्स है, वो ऊपर नीचे होते रहती है। और जो भी ऐसे टिकट्स के प्राइस है ना, वो हमें मतलब हम ये भी जो होगा, अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो शायद आपको ज़्यादा दिखाएगा। तो ये अब जो हम बता रहे हैं वो कम क्यों है उससे, ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना टिकट्स बुक करोगे कि आपको बहुत अच्छे वाला डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। टाइमिंग्स तो मैंने बताया कि 10 से 7 बजे तक होता है। तो आप मान के चलो कि आप कोशिश करो दोपहर में, या तो आप अगर सुबह जा सकते हो तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप दोपहर में जा सकते हो या थोड़ा लंच टाइम में 2 से 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप जाओ तो वो बिल्कुल बेस्ट टाइम होगा। और प्राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये हमें कुछ अप्रॉक्स 2200-2300 रुपये पड़े थे 2 जन के लिए, और इसको अगर मैं रिंगेट्स में बोलूँ तो ये 126 रिंगेट्स का हमें टिकट पड़ा था 2 जन का। और मतलब एक्वेरियम काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर जो ओवरऑल एम्बियंस है, जो ओवरऑल हमने कुछ कुछ वहाँ शॉट्स लिए हैं जो कि हमें बहुत पसंद आया था, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो हम लोग जो भी वहाँ पर हमने फोटोज लिए हैं वो आपको वीडियो के साथ साथ में देखते जाएगा। और यहाँ का एक सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, वैसे तो हम कपल थे, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, बच्चे हैं आपकी फैमिली में, तो आप डेफिनेटली इस जगह पर जाओ, क्योंकि वहाँ पर इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइक वो पिराना भी मैंने देखा। मतलब मैं तो इतनी खुश हो गई थी पिराना देख के, मैंने पहली बार पिराना देखा था। तो जिन ने पिराना इतने बड़े बड़े पिराना थे, जिन ने पिराना मूवी देखी है उनके लिए तो और मजा होने वाला है यार, कि मैंने पहली बार देखा, वो बहुत मस्त था। और एक हमारा एक पर्सनल टिप रहेगा कि वहाँ पर एक फीडिंग सेशन होता है, तो वहाँ पर आप मछलियों को, जो भी वहाँ पर क्रिएचर्स हैं, आप उनको अपने हाथ से पानी में डाल के आप हाथ से खाना खिला सकते हो। तो वो जो फीडिंग सेशन होता है वो शायद से 5-5:30 बजे के आसपास शुरू होता है। तो अगर आप उस टाइम पे पहुंच रहे हो तो आप वो चीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिल्कुल हमारी तरह अगर फोटोज़ के शौकीन हो तो आपको कुछ अराउंड 1.5 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और आप डेफिनेटली इस जगह पे जाओ, इट्स अ मस्ट विजिट। जो सेकेंड प्लेस हमने विजिट किया था वो था वहाँ का वन ऑफ द फेमस टावर, जो जिसको वहाँ के लोग बोलते हैं मिनारा टावर, लेकिन हम लोग उसको जानते हैं एज KL टावर। तो उसकी टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो ओपन रहती है। बट वहाँ पे ना ऐसा सजेस्टेड होता है, गूगल पे भी हमने पहले देखा था जाने के पहले, कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ। अर्ली मॉर्निंग जाने पे वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा मिलता है आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हाइट पे है। तो अगर जाते हो तो ट्राई करना कि रात में ना जाके सुबह जाना और अर्ली मॉर्निंग ही जाना, मतलब जब जैसे खुलता है ना वैसे 10 बजे के आसपास ही आप चले जाओ, तो भीड़ भी नहीं होगी और आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो टिकट्स होती हैं वो थोड़ी अलग अलग टाइप की होती हैं, तो अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो
तो आप मेक श्योर करो कि आप हमेशा नॉन मलेशियन टिकट को ही बुक करो, और ये मैं हर जगह पे जहाँ भी हमने ऑनलाइन बुकिंग किया है मैं उसके बारे में बोलूँगा कि अगर आप जब भी आप कर रहे हो तो आप देख के बुक करो कि आप एक नॉन मलेशियन टिकट ही बुक करो। तो यहाँ पर केएल टावर में 3 जगह हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। वो लेवल्स में है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन डेक है और सबसे टॉप पे जिसको हम लोग स्काई डेक बोलते हैं और स्काई बॉक्स है वहाँ पर। तो आपको अभी वीडियो में दिख रहा होगा कि स्काई बॉक्स से कुछ फोटोज हमने ली थी। तो ये अलग अलग टिकट्स हैं, अलग अलग लेवल के टिकट्स हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे आपको एक साथ ये टिकट्स क्लब करके मिल जाएंगे। तो आप मेक श्योर करो कि आप ऑब्जर्वेशन डेक का टिकट अलग से लो और स्काई बॉक्स और स्काई डेक का टिकट आपको अलग से मिलेगा। ऑब्जर्वेशन डेक का आपको 1800 के अराउंड मिल जाएगा 2 जन का टिकट, और स्काई बॉक्स और स्काई डेक का कुछ आपको 3600 रुपये 2 जन को मिल जाएंगे टिकट। तो ये कुछ आपका शायद से 5.5-5.5 हज़ार रुपये का टिकट होगा, और ये बिल्कुल वर्थ इट है। हमारा एक्सपीरियंस तो अगर मैं बोलूँ तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और मतलब वो फर्स्ट टाइम था हम लोग इतने टॉप पे गए थे। मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अगर आप केएल टावर जाते हो तो आपका वो स्काई बॉक्स है, स्काई डेक पे जब आप जाओगे ना तो उस पर्टिकुलर बॉक्स में जो जाते हो ना वही वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। मतलब मेन एक्सपीरियंस आपको वहीं पे मिलेगा। कितनी हाइट पे एक ग्लास बॉक्स के आप अंदर हो, उसके अंदर आप वॉक कर रहे हो, वहाँ फोटोज क्लिक करा रहे हो, तो वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे इसलिए भी मैंने अर्ली जाने बोला ना, क्योंकि जब आप एक स्काई बॉक्स वहाँ पे सिर्फ ऊपर में दो हैं, हमें तो हम तो गए थे तो हमें एक ही दिखा था, बाद में हम वापस आते थे हमें दूसरा भी दिखा था, लेकिन दो ही हैं। तो वहाँ जितने लोग भी जाते हैं ना वहाँ पे एक क्यू लगती है, और वो 2-2 मिनट का ही आपको टाइम देंगे वहाँ पे अंदर में जाके फोटोज क्लिक कराने के लिए। मे बी बिकॉज हम लोग लेट थे इस वजह से, और अगर आप अर्ली जाते हो क्यू नहीं है तब तो आप जितना चाहे वहाँ उतना देर अपना फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे खड़े रह सकते हो। केएल टावर का जो रास्ता है वो बिल्कुल चढ़ाई है, वो ऐसे गोल गोल पहाड़ की तरह चढ़ाई है। तो आप कोशिश करो कि आप एक कैब पहले ही ले लो या कोई भी एक क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारा केएल टावर से होटल पास में था, तो हमने जब मैप पे देखा हमें पास में लगा, तो हमने सोचा हम वॉक करके जाएंगे क्योंकि हमारे सड़कें बहुत साफ होती हैं, चलो वॉक करके चलते हैं। वॉक करते 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 हमें ऐसा लगा हम शिमला पहुंच चुके हैं, ठीक है, ऐसे 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 घूम घूम के हमें ऊपर गए थे। हमें हमें केएल टावर के एंट्रेंस से टॉप पे जाने के लिए हमें कुछ 20 से 25 मिनट तो ऐसे ही लग गए। और अगर आप गाड़ी से जाओगे या आपके पास अगर आपने वहाँ पर गाड़ी रेंट पे ली है या बाइक या कुछ भी अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो ये गलती आप मत करना मत जो करना हमने हमारी किया तरह। था। और जहाँ तक टाइम की बात है कि कितना टाइम लगा, अगेन वो कुछ 1.5 से 2 घंटे हाँ, लगते बस हैं, इतना ही। डिपेंड करता है कि आप वहाँ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बट हाँ, ये एक मस्ट विजिट है हमारे लिए। हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाओ तो आप केएल टावर डेफिनेटली विजिट। जो तीसरी जगह थी वो थी जू नगारा। ये एक नॉर्मल जू है जो हर जगह होता है, तो वहाँ की टाइमिंग थी कुछ 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वो ओपन रहती है प्लेस। और वहाँ की प्राइस था 2700 रुपीज़, लाइक फॉर 2 पर्सन ना, हाँ 2 लोगों के लिए 2700 रुपीज़। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप जू जाते हो तो ऐसे नॉर्मली तो आप बाकी सारे एनिमल्स को देख सकते हो, बट वहाँ पे ना सेक्शन डिवाइडेड था फॉर पांडा। वहाँ पे ना वो जाइंट पांडा है जिसके लिए आपको अलग से टिकट बुक करना होगा, तो ये टिकट जो है वो इंक्लूडिंग है। लाइक जो 2700 मैंने बताया वो इंक्लूडिंग है। अगला रिकमेंडेशन है पेट्रोनस टावर। ये तो खैर मलेशिया का सबसे फेमस जगह है, और कोई भी मलेशिया जाता है, कोलालंपुर जाता है, तो वो पेट्रोनस ट्विन अगर आप टावर। पेट्रोनस गए और मतलब मलेशिया गए कोलालंपुर और वहां पेट्रोनस के पास आपकी फोटो नहीं है, कोई नहीं मानेगा आप तो आप कोलालंपुर गए ही मलेशिया नहीं है। गए थे। तो इसकी टाइमिंग्स की बात करूँ तो टाइमिंग्स 10 बजे सुबह ये ओपन हो जाता है, शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है। और टिकट प्राइस यहाँ का वही अराउंड 3,002,916 है फॉर 2 पर्सन। तो ये भी हमने ऑनलाइन ही बुक किया था। यहाँ पे ये होगा ना, मतलब बाकी सारे जगहों पे अगर जाओगे तो वहाँ ऑफलाइन टिकट्स भी मिल सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन फॉर पेट्रोनस ओनली ऐसा है कि आप जाने से पहले बुक कर लेना। अगर आप जाने से पहले बुक नहीं करोगे तो वहाँ पे जनरली ये होता है कि 3-4-5 दिन की बुकिंग पहले से हो रखी होती है, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। और इसमें भी ऐसा है कि आप वो लिफ्ट से ऊपर लेके जाते हैं टावर के ऊपर से, एक डेक्सी बनी हुई है ऊपर, आप उधर वॉक करते हो, एक
लॉबी सी है, बस हो गया ये एक्सपीरियंस। आपको फोटो में दिखता होगा कि एक वो ब्रिज है, तो वो उस ब्रिज के लेवल तक लेके जाते हैं। उस वहां पे आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हो, आप एक ग्रुप में जाते हो, और हमारे साथ वहां पे कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ था, लाइक कांड समझ लो हमारे साथ कुछ तो हुआ था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे क्या हुआ था, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, वहां पे आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अगर आप वहां पे शाम के टाइम पे जाते हो, आप ऊपर गए ग्रुप के साथ, आप फिर नीचे आ गए, और फिर नीचे आने के बाद अराउंड 7:30 से वहां पे एक लाइट शो होती है जो बहुत सुंदर होती है। मतलब वहां पे पूरे वो अरेबिक गाना वगैरह बजा के और वो लाइट शो चलती है, वो बहुत सुंदर होती है, तो वो भी मिस मत करना, लाइक एट 7:30। और ये लाइट शो बाय द वे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टिकट नहीं लगता। हाँ। और आप उसको बैठ के वो एक ऐसे बिल्कुल खुले स्पेस में आप सामने से बैठ के आप देख सकते हो। और ये जो लाइट शो होती है ये हर आधे आधे घंटे पे होती है, तो अगर 7:30 बजे शुरू हो रही है तो फिर वो 8 बजे तक चलेगा, और फिर वो 8 बजे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन होगा वो होगा बाटू केव्स। बहुत लोगों ने सुना होगा अगर कुआलालंपुर सर्च किया होगा तो उसके बारे में। तो ये एक लाइक बेसिकली एक मंदिर है, साउथ इंडियन मंदिर है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ना केव्स बने हुए हैं, ये बहुत सुंदर है। और जैसे जैसे आप बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी आपको, वहाँ पे जाना तो कंफर्टेबल कपड़े में जाना, वहाँ जाना तो बिल्कुल भी ऐसे ज़्यादा रेडी वेडी होके इस चक्कर में मत जाना, वरना हालत ख़राब हो जाएगी, मेरी भी हुई थी। तो बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते जाओगे, फिर एक केव्स आएगा, वहाँ पे सारे भगवान के मंदिर होंगे जो भी साउथ इंडियन होते हैं, मैंने ऐसे बाकी तो नहीं देखा। और फिर उसके अंदर फिर ऊपर केव जाओगे, तो ऐसे हर लेवल पे आपको अलग अलग भगवान के मंदिर है। इसकी जो टाइमिंग है ये सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और ये रात के 9 बजे तक ओपन रहता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग में जाना, यहाँ पे फोटोज बहुत सुंदर आते हैं, भीड़ हो जाती है तो फिर वही बात है कि फोटोज में आपके बैकग्राउंड में 50 लोग आएंगे, तो यहाँ तो स्पेशली चूंकि मंदिर है तो एक वो पीस की भी बात होती है, और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही जाना। और अगर यहाँ पे आपको कुछ खाना पीना हो तो आप जैसे बाहर निकलोगे, सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे आपको इंडियन चाय मिल जाएगी। ये हमारा रिकमेंडेशन है, अगर आप चाय के लिए बिल्कुल पागल हुए हुए हो कुआलालंपुर में, 3-4 दिन हो तो चुके हैं, वहाँ का चाय हमें पूरे कुआलालंपुर में सबसे बेस्ट लगा। यहाँ पे ना एक्चुअली बाटू केव के नीचे ना जितने भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है आपको सब चीज मिल जाएगा, डोसा इडली चाउमिन सब मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे चाय पीने मिस मत करना क्योंकि वहाँ पे आप चाय बहुत अच्छी मिलेगी। तो और बाकी मलेशिया के लिए लाइक ये टॉप की जगह थी, टॉप 5 प्लेसेस थी, और भी जगह है वो स्क्रीन पे आएंगे, हम रेकमेंड कर देंगे, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, डेफिनेटली नेक्स्ट विजिट में हम एक्सप्लोर करेंगे, तो जो भी जगह हम नहीं जा पाए हैं वो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। काश और वो दिन जल्दी आए। और दूसरी चीज ये बहुत सारे स्ट्रीट्स पे हैं जो हम गए हैं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पे आपको टिकट करके जाना पड़ जाए कि ऐसा कुछ, वहाँ बस आप रैंडमली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना, नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना, तो बहुत सारी चीजें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उन चीजों को कवर करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो जो मलेशिया जाने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो जो आप चाहते हो तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हो। हाँ। और आप बिल्कुल आप हमें एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हो, मेल आईडी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।